औकात देखना चाहिए अपने किसी की। आपको भी औकात देख के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? आपको भी औकात देख के बात करनी चाहिए। आप औकात की बात कर रहे हैं? औकात की बात कर रहे हैं हम, फालतू बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं बताइए। हम कब से बैठे हैं, कुछ बोले आपको? हाँ तो वीडियो बनाएंगे, मेरे साथ कल मेरे मोबाइल और बाइक चोरी हो गई मेरे हस्बैंड की न्यू बस स्टैंड से, जिसमें मैंने कंप्लेन किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दोपहर में 2 बजे थाने आई थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल आया कि आपके यहाँ से बाइक जो गुमी है वहाँ खड़ी है, मैंने रमा गोविंद के पास, मैंने इनको बोला यहाँ आके, तो ये बोले कि आप जाके देख आइए। मैं जाके बाइक देखी, वापस यहाँ आई तो कोई सुनवाई नहीं, मैं घर चली गई। अभी आई जब यहाँ रिटर्न, तो यहाँ के जो ये मुंशी जी हैं और यादव जी हैं, स्टाफ हैं, वो जूता मारने के लिए बोल रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर भगा दिए, लपट रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है रिपोर्ट लिखने की, रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, तुमको जो करना है कर लो, जहाँ कंप्लेन करना हो तो कर लो जाके, तुम दो कौड़ी की औरत हो, हम तुम्हारा कुछ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। हम 9 महीने की बताइए प्रेग्नेंट हैं और हम दिन भर से थाने का चक्कर लगा रहे हैं, कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं है थाने में, न TI साहब हैं न कोई है। मुंशी जी जो कि अभी आए हैं, जब दोपहर में आए तो मुंशी जी भी नहीं थे, बोले 5 बजे के बाद आएंगे वो, तो वो अभी आए हैं। पर मेरे पास एक वीडियो मैं बनाई हूँ जिसमें वो मेरे से लपट रहे थे, मेरे हाथ पकड़ रहे थे, मेरे मोबाइल छुड़ा रहे थे, मुझे जूता मारने के लिए बोले, बाहर भगा रहे थे, बोले तुम चले जाओ नहीं तुम्हारे हस्बैंड को हम FIR करके अंदर डाल देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, वो धमकी दे रहे हैं हमें। आपको भी उठाकर अंदर करने की बात कह रहे हैं? हाँ, मेरे हाथ पकड़े हुए थे। नहीं, आपको लॉकअप में बंद करने की बात? हाँ, लॉकअप में बंद करने की बात है। वो तुम्हारे जैसे बहुत प्रेग्नेंट लेडीज देखे, तुम्हारे जैसे सब लेडीज ऐसे ही करती है, मैं किसी से डरता नहीं, तुम मेरे को बात कर रही, मेरे को चैलेंज कर रही हो, कोई तरस नहीं खाए, मैं तीसरी चक्कर आई हूँ, कोई तरस नहीं है, ऊपर से मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जूता मारने बोल रहे हैं। सामान थाने का है, अभय यादव नाम है, बिल्ला नंबर 425 है, और थाने में मुंशी जी हैं, वो भी बदतमीजी कर रहे थे, पर अभय यादव हाथ पकड़ रहे थे, लपट रहे थे, मोबाइल छुड़ा रहे थे, जो कि वहाँ CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो थाने में कैमरा लगा हुआ है, और भी जो वहाँ बैठे थे वो लोग भी देखे हैं, सब कोई देखे हैं, वो मुझे किस तरह से पकड़ के बाहर भेजे हैं, और मेरे हाथ से मोबाइल छीन रहे थे, मेरा दुपट्टा पकड़ रहे थे, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं चाहती हूँ कि इसके जो भी हो, इसका इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसका इसको इसकी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, इसको अपनी नौकरी का बहुत घमंड है। शिकायत भी करेंगे कहीं इनकी? शिकायत करेंगे हम भी, 186 में शिकायत करेंगे, SP साहब के यहाँ भी शिकायत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली? मैं रीवा की रहने वाली हूँ, जनता कॉलेज की। मेरा नाम साधना तिवारी है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही अगर आम आदमी पुलिस के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? अगर घटना घटी तो हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जब सहायता नहीं करेगी तो आदमी कहाँ जाएगा? अब ये बताया जा रहा है कि एक जो है इनके जो पति है ना, किसी कथित अपने साले को जो है मोटरसाइकिल दिए थे, तो मोटरसाइकिल ले गया था वो, बाद में फ़ोन ऑन बंद कर दिया था, उस पर इनने आवेदन दिया था इसके पति ने कि मोटरसाइकिल ले गया है और FIR करवाना नहीं चाह रहे थे, उसी बात को लेके थाने आए थे, तो उसमें महिला शायद वीडियो वगैरह बना रही थी, उसी में जो है स्टाफ के साथ कहा सुनी हुई है, उसकी जांच करेंगे, और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उसमें विभागीय रूप से कार्रवाई। सर, वीडियो में आरक्षक बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि महिला गर्भवती। क्या है कि जैसे कोई थाने में आता है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी आके वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे यहाँ पे, है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वाभाविक है, पर अगर दोषी है, अगर गलती है तो उसमें जो है उसके प्रतिवेदन भेजा जाएगा उसके विरुद्ध। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।